फ्रेंड्स, आई हैव कम बैक अगेन विद द सैम्पल पेपर। यस, अभी तक मैंने फाइव पार्ट्स पब्लिश कर दिए हैं, सैम्पल पेपर जो सीबीएसई की तरफ से पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा सिलेबस है वो रिड्यूस सिलेबस यूज हो रहा है, उस पैटर्न के ऊपर ये पेपर बना हुआ है। मैंने फाइव पार्ट्स मैंने रिलीज कर दिए हैं आपके लिए, एंड दिस इज अ सिक्स पार्ट एंड द लास्ट वन। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में ये आपको प्लॉट्स के बारे में बता दिया था कि प्लॉट्स हमारे कैसे रन होंगे, उनकी कोडिंग आप कैसे करेंगे। फिगर इज गिवन टू यू, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, समझनी है, देन यू हैव टू ड्रॉ इट, प्लॉट इट इन द पाइथन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 37। अ रिलेशन, व्हाट इज अ रिलेशन स्टूडेंट्स? रिलेशन इज द अदर नेम ऑफ टेबल। टेबल का दूसरा नाम रिलेशन होता है जो हम माई सीक्वल में यूज करते हैं। A relation vehicles is given below. See here, how many attributes are there? There are five attributes. V number means vehicle number, type, company, price, quantity. Suppose vehicle number is AW125, type wagon, Maruti company. Then this is the price, 2,50,000. Then 25 is the quantity. Like this, Jeep, SUV, and so on. Many records are given there. Now you have to write, the question carries 3 marks, and it has 3 parts. A part, display the average price of each type of vehicle having quantity more than 20. You have to use the average function, AVG function, for each. Last time also I told you, explained you in the previous video, कि आपको each से आपको क्या indication मिलता है, आपको group by clause use करना है. You remember that? And having quantity, having के बाद आप कोई भी एक condition लगा सकते हैं. जब हमें condition individual rows पर लगानी होती है students, then we use where clause. अगर हमें ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगानी है, वी यूज हैविंग क्लॉज। ओके, इसका मैं पहले आपको आउटपुट दिखा देती हूँ, आप देखिए इसका रिजल्ट, इसका आप कैसे लिखेंगे आंसर। सिलेक्ट टाइप कॉमा एवीजी प्राइस, सिलेक्ट के बाद हमेशा उन कॉलम्स के नाम डिस्प्ले जो करवाने हैं आपको, उनका नाम यहाँ पर दिया जाता है। वी आर गोइंग टू डिस्प्ले 2 कॉलम्स, टाइप एंड एवरेज। टाइप के अंदर क्या आएगा आपके सामने? टाइप में वैगन, जीप, एसयूवी, मिनी वैन एंड सो ऑन। दूसरा, वो एवरेज कैलकुलेट करेगा प्राइस की फ्रॉम व्हीकल्स ग्रुप बाय टाइप हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 20। जो हैविंग क्लॉज है, दिस इज ऑप्शनल। ओके, ये ऑप्शनल क्लॉज होता है, और अगर हम ये देते हैं तो इसके बाद हमें इसके बाद कोई कंडीशन देनी होती है हैविंग के बाद में। मैं आपको भी रन करके दिखाती हूँ, मैंने आपके लिए टेबल, सेम टेबल क्रिएट किया है। तो आपके लिए टेबल नाम है व्हीकल्स। ओके, सी हियर, सेम टेबल जो आपको क्वेश्चन पेपर में है, टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, मैंने सेम टेबल आपके सामने बनाया है। वी नंबर, व्हीकल नंबर, टाइप, कंपनी, प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स मैंने डाल दिए हैं। रिकॉर्ड्स कैसे डालते हैं? इंसर्ट के थ्रू। और ये मेरे पेपर्स खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, तो उसके बाद बहुत जल्दी मैं माई सीक्वल के ऊपर एक आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ स्क्रैच से, स्टार्टिंग से। जिन बच्चों को माई सीक्वल में परफेक्शन चाहिए स्टूडेंट्स, माई सीक्वल इज द सॉफ्टवेयर इन विच यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। उसमें एक नंबर भी आपका कट नहीं हो सकता कहीं भी। ओके, अब देखिए इसका आंसर जो है, इसकी क्वेरी मैं आपके सामने टाइप करती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं बिना हैविंग क्लॉज के लगा रही हूँ, उसका आंसर कैसा आ रहा है आपके सामने। मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया टू सेव द टाइम। ये देखिए टाइप, और लास्ट में आपको मालूम है यू हैव टू टर्मिनेट इट यूजिंग द सेमी कॉलम। ये देखिए आपके सामने टाइप, आपके सामने ये आ गए, और उनकी एवरेज प्राइस, एवीजी ऑफ प्राइस, सिलेक्ट टाइप कॉमा एवीजी, ब्रैकेट में यू हैव टू गिव द कॉलम नेम फ्रॉम व्हीकल्स एंड ग्रुप बाय टाइप। इसका आप हैविंग यूज कर सकते हैं, हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 20, या जो भी आपको कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली। सेकंड पार्ट, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। अगेन ग्रुप बाय क्लॉज आ जाएगा। टाइप ऑफ व्हीकल्स, कितने टाइप के व्हीकल्स आपके ईच कंपनी, ठीक है। टाइप ऑफ व्हीकल्स आपको ये फाइंड करना है, तो इसके लिए आपके लिए कोडिंग किया, इसके लिए आप क्वेरी क्या लिखेंगे? सिलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट डिस्टिंक्ट टाइप। डिस्टिंक्ट बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, जिसमें रेपिटेशन भी होता है, रिपीटेड रिकॉर्ड्स भी आ सकते हैं, लेकिन जब आप डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करते हैं, इट मीन्स इसमें सब डिफरेंट आएंगे। सपोज मैं कुछ डेटाबेस मैंने बनाया है, जिसमें कुछ कस्टमर्स हैं हमारे, क्लाइंट्स हैं हमारे डिफरेंट सिटीज के, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, और वो रिपीट हो रहे हैं। 5-6 लोग दिल्ली के हैं, 5-6 मुंबई के हैं, 2-3 कोलकाता के हैं। तो मुझे तो सिर्फ मालूम करना है कि कौन कौन से सिटीज में हमारे कस्टमर्स हैं, देन आई विल यूज दिस डिस्टिंक्ट टाइप। तो उनका नाम एक एक बार आ जाएगा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कि 4 सिटीज में हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं। तो सिलेक्ट कंपनी कॉमा डिस्टिंक्ट,
कॉमा काउंट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल नेम आता है, ग्रुप बाय कंपनी। चलिए मैं इसको भी कॉपी करती हूँ आपके सामने, इसको रन करती हूँ व्हीकल्स टेबल में क्वेरी के लिए। सी है कंपनी नेम आ गया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है काउंट आपने डिस्टिंक्ट टाइप के आपने यहाँ पर लिए, देखिए उसे ग्रुप बना दिया कि महिंद्रा के अंदर कितने हैं, टू हैं, ठीक है, मारुति के अंदर कितने हैं, टू हैं, मित्सुबिशी वन एंड डैटसन वन। ऊपर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा टू हो गए, देन टू और किसके हैं मारुति के, मारुति यहाँ पर है और मारुति यहाँ पर है, दो और बाकी वन वन है। इसने उसको ग्रुप कर दिया, काउंट कर दिया और डिस्टिंक्ट टाइप बता दिया आपको, ठीक, एक 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 डैटसन के कितने हैं, महिंद्रा के कितने हैं, मारुति के कितने हैं, लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। आपके सामने एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं ये। डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, आपको टोटल प्राइस मालूम करना है जितने भी मस्ट व्हीकल्स हैं। अब देखिए सिलेक्ट टाइप कॉमा सम, टोटल प्राइस है एंड प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल प्राइस निकालना है। प्राइस कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये प्राइस है, ये प्राइस ईच कार के लिए है, एक व्हीकल के लिए है, उसकी 25 क्वांटिटी है, इसकी इतनी है 4 लैक्स अगर है, ये इसकी 15 है, ठीक है, इसके जितने भी इनकी प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, इससे हमारा इसको हम सम कर देंगे तो हमारा टोटल हमारा आंसर आ जाएगा, फ्रॉम व्हीकल्स ग्रुप बाय टाइप। चलिए इसको भी रन करके आपको मैं दिखा देती हूँ कि सही से हमारी क्वेरी बनी या नहीं बनी है हमारी। स्टूडेंट्स अभी तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनर के सामने भी करने पड़ेंगे, वो भी आपके सामने जब पेपर देंगी तो उसके अंदर आपके पाइथन का भी प्रोग्राम होगा जिसमें बैक एंड से कनेक्टिविटी भी होगी और कुछ सीक्वल की क्वेरीज भी होंगी। सी हियर सम प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, अगर आपको इसका हेडिंग चेंज करना होता, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप एज यूज करके न्यू कॉलम नेम भी दे सकते हैं जो आपको हेडिंग चाहिए, ठीक है, एज से आप एलियास नेम उसका यूज कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 37, ठीक है, नाउ सेकेंड सेक्शन इज कंप्लीटेड, लेट्स मूव टू सेक्शन 3, क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ से जैसे जैसे आपका पेपर आगे बढ़ रहे हैं मार्क्स भी आपके बढ़ रहे हैं, पहले 1 मार्क क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, नाउ इट इज ऑफ 5 मार्क्स। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, बैट्समैन फ्रॉम अ डिक्शनरी, ये एक आपका डेटा फ्रेम है और डिक्शनरी से क्रिएट किया गया है, ठीक है, डिक्शनरी आपको मालूम है कर्ली ब्रेसेस में आपको कीज वैल्यू की वैल्यू आपको देनी होती है। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द डेटा फ्रेम, पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कि मैंने इसके अंदर एक डेटा फ्रेम ऐसा क्रिएट कर दिया है डिक्शनरी के साथ में, ये देखिए आपके सामने, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, d1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में बी नंबर 1 2 3 4 कॉमा नेम इज इक्वल टू सुनील कॉमा सुनील पिल्लई कॉमा गौरव शर्मा, आपको सिंगल को आपको कोट्स के अंदर देना है, पीयूष गोयल कार्तिक ठाकुर, उसके बाद स्कोर 1 है आपके सामने 90 65 70 80, स्कोर 2 है, ठीक है, यही आपको देखिए आप क्वेश्चन में आपको यही सब दिया गया था कंटेंट्स। सी है आपका बी नंबर था यहाँ पर, ठीक है, बैट्समैन का नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, 4 रिकॉर्ड से स्कोर 1 क्या है, स्कोर 2 क्या है, और मैंने वो यहाँ पर आपके सामने क्रिएट किया है, और प्रिंट डीएफ, एक सेकंड, इसको मुझे एक ब्लैंक लाइन चाहिए, मुझे 2 बार प्रिंट नहीं करवाना है, तो इसको मैं इसका डीएफ हटा दूंगी। ओके चलिए मैं इसको रन करते हैं, इतने पार्ट को सिलेक्ट किया, इसको रन करके देखते हैं कि हमारा डिक्शनरी से हमारा डेटा फ्रेम, हमारा डेटा फ्रेम बन गया है या नहीं बना। यस एग्जीक्यूशन हो रहा है स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, इट इज बिजी, ये आपको दिखाता है प्रोसेसिंग इज बीन डन, जो आपका सर्कल में आपका ये चलता रहता है, आपके सामने सिंबल आता है, ये देखिए आपके सामने ये आपकी डिक्शनरी आपका डीएफ आपका प्रिंट हो गया, ये देखिए बी नंबर नेम स्कोर 1 एंड स्कोर 2। ओके अब मैं दोनों पार्ट्स आपके सामने पढ़ूंगी क्वेश्चन के, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। एड बोथ द स्कोर्स ऑफ अ बैट्समैन एंड असाइन टू कॉलम टोटल, अब इसमें क्या करना है, दोनों बोथ स्कोर्स इनको यानी एक न्यू कॉलम टोटल के अंदर 90 प्लस 80 कितना होगा स्टूडेंट्स 170, ठीक है, 60 प्लस 45 70 प्लस 90 80 प्लस 76, इस तरह से आपका टोटल आ जाना चाहिए, यानी न्यू कॉलम के अंदर टोटल के अंदर ही आपका दोनों ऐड होने चाहिए। सेकंड, डिस्प्ले द हाईएस्ट स्कोर इन बोथ स्कोर 1 एंड स्कोर 2 ऑफ द डेटा फ्रेम, यानी स्कोर 1 का हाईएस्ट चाहिए, व्हाट इज दैट, दैट इज 90, और स्कोर 2 में कौन सा हाईएस्ट है, अगेन 90, तो ये दोनों आपके लिए कैसे स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे इसको। सी है डीएफ टोटल इज इक्वल टू टोटल, न्यू आपको कॉलम नेम चाहिए,
इज इक्वल टू df स्कोर 1 प्लस df स्कोर 2, और जो कॉलम के नेम होते हैं या डेटा फ्रेम के साथ में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं। ओके, देन प्रिंट df, ये प्रिंट हो जाएगा आपके सामने। चलिए मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा हमारा डेटा फ्रेम, पहले ये था स्कोर 1 स्कोर 2, टोटल देखिए आप 90 plus 80 170 60 plus 45 110 and so on इस तरह से उसने टोटल कर दिया अब सेकंड पार्ट में आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए दोनों से दोनों स्कोर 1 एंड स्कोर 2 का आई एम गोइंग टू रन दैट पार्ट आल्सो तो मैक्सिमम स्कोर्स आर 90 एंड 95 स्कोर 1 का मैक्स df स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्कोर 1 कॉमा मैक्स df स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्कोर 2 दैट्स इट तो दोनों के मैक्सिमम स्कोर्स आर 90, ये आपने देखिए प्रिंट किया, प्रिंट मैक्सिमम स्कोर्स आर 90 एंड 95। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ये हमारा क्वेश्चन 38 कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। नाउ 30, इसका थर्ड पार्ट है डिस्प्ले द डेटा फ्रेम। डिस्प्ले द डेटा फ्रेम ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखा दिया है प्रिंट df से, या यहाँ पर भी आप जो भी आप कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल भी आपने किया तो प्रिंट आपने करवा दिया, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। आप अलग से ही थर्ड पार्ट लिख के आप नोट करके दिखा देंगे वहां पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39, राइट द, ये सीक्वल की स्टेटमेंट्स के लिए है, नंबर 5 मार्क्स है, इट कैरीज 5 मार्क्स। राइट द सीक्वल फंक्शंस व्हिच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द करंट डेट। डेट एंड टाइम फंक्शन भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने किए होंगे, नहीं किए तो जरूर याद कर लीजिएगा, उसको रिवाइज करिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस डेट के ऊपर भी जरूर आते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं फ्री होकर आपके लिए सीक्वल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी बहुत वेरी वेरी सून। ओके, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द करंट डेट, आपकी जो करंट डेट है उसके मंथ का नाम आपको मालूम करना है। ठीक है, इसके लिए क्वेरी क्या है, ये देखिए, सिलेक्ट मंथ नेम, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन मंथ नेम, ब्रैकेट के अंदर डेट एंड देन नाउ। नाउ फंक्शन आपने यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, इसको आप, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, अब चलिए इसके अंदर मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, सेमीकोलन टर्मिनेट करने के लिए जरूरी है, कंपल्सरी है। ये देखिए, ये मंथ आपका आ गया जनवरी। ठीक है, आपका जो करंट मंथ है हमारी, इस समय हमारा जनवरी मंथ चल रहा है, उसे जनवरी एक पार्ट को, मंथ के नेम एक पार्ट को निकाल कर दिया, इट इज जनवरी। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट, टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पैनोरामा। पैनोरामा में देखिए, आप शुरू में भी आपके स्पेसेस दिख रहे हैं, बाद में भी दिख रहे हैं। तो आपने स्ट्रिंग फंक्शंस में तीन तरह के फंक्शंस किए हैं स्टूडेंट्स, ट्रिम, एल ट्रिम एंड आर ट्रिम। व्हाट आर देयर फंक्शंस, एल ट्रिम क्या करता है, रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, ट्रेलिंग जो बाद में आपकी स्पेसेस होती हैं, एंड आर ट्रिम क्या होता है, जो आपकी रिमूव करता है शुरू की स्पेसेस। ठीक है, और जो ट्रिम फंक्शन है वो दोनों साइड की स्पेसेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब इसकी स्पेसेस को मुझे रिमूव करना है दोनों साइड्स की, तो मैं क्या लिखूंगी, सिलेक्ट ट्रिम पैनोरामा, सिंपली आपका प्रिंट कर देगा पैनोरामा को। चलिए इसको भी रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट, जितनी मैं आपको करवा रही हूँ क्वेरीज, या आप अपने आप भी प्रैक्टिकल कीजिए प्लीज। अब तो स्कूल भी ओपन हो गए, आप लोगों के भी आई होप खुल गए होंगे, आप लोग प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल जा रहे होंगे। ये देखिए, पैनोरामा ट्रिम कर दिया, शुरू में अब स्पेसेस नहीं आ रही हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे, दैट इज फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे और संडे, और फ्रॉम अ डेट ऑफ बर्थ डीओबी। वो कह रहा है डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसमें से आपको अपना निकालना है फ्राइडे या संडे। मैंने एक जनरल आपके सामने लिया है कि वो सिर्फ आपको डे पार्ट दे, अभी हमने मंथ पार्ट किया था, अब डे पार्ट आपको करना है यहाँ पर। वो कैसे होगा उसकी क्वेरी मैं आपको दिखा देती हूँ। सिलेक्ट डे नेम, डे नेम पहले था मंथ नेम, अब आएगा डे नेम, और ब्रैकेट में दिया मैंने कर डेट, आज की करंट डेट है, उसमें से वो आपको डे नेम आपको दिखाएगा। चलिए रन करके देखते हैं इसका आउटपुट सही आ रहा है। सेमीकॉलन है, यस, वेंसडे, टुडे इज वेंसडे स्टूडेंट्स, आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आज वेंसडे का दिन है और जनवरी का मंथ चल रहा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4, टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट नेम एफ नेम फ्रॉम योर होल नेम नेम। इसमें क्या करना है आपको, ये आपका, मैं इसमें आपका टेबल नेम, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया है, मैंने टेबल नेम यूज नहीं किया है, सिंपल उसमें फंक्शन नेम वो पूछ रहे हैं। सिलेक्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन मीन्स, जो एक स्ट्रिंग है आपका, उसमें से एक पार्ट को आपको निकालना है,
और आपको इसको डबल कोट्स में देना चाहिए। जो आपका नेम है उसको आप डबल कोट्स में दे दीजिएगा, जो भी नेम है उसमें से एक पार्ट को आपने निकालना है, आप इन स्ट्रिंग फंक्शन उसके लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंप्यूट द रिमाइंडर ऑफ डिविजन बिटवीन टू नंबर्स n1 एंड n2, n1 से n2 को आपको डिवाइड करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स मॉडुलस। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट मॉड n1 कॉमा n2। लेकिन आप यही चीज अगर आप SQL क्वेरी में लिखेंगे तो आपका रन नहीं करेगा, क्योंकि n1 यहाँ पर आपका करेक्टर में है, आपका ये वहां रन नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इट इज परफेक्ट। तो आप यहाँ पर क्या करिए, इसके अंदर आपको सिर्फ ट्राई करवाना चाह रही हूँ कि आप क्या, इसका मतलब क्या है कि आपको जैसे आपने दिया 20, आप रन करने पर इसका रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने सपोज डिवाइडेड बाय 3, ओके, लास्ट में आ जाइए, सेमीकोलन लगाइए, एंटर। अब देखिए व्हाट इज द रिमाइंडर, 2, 3, 6, 18, रिमाइंडर इज 2। आप लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट n1 डिवाइडेड बाय n2, ओके, मॉड फंक्शन आपको यूज करना है। अब देखिए और पार्ट है इसमें, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन, 5 पार्ट्स थे। अगेन उन्होंने आपको और चॉइस दी है और इसमें सेल्समैन टेबल यूज किया है। फॉर अवर कन्वीनियंस स्टूडेंट्स, मैंने सेल्समैन टेबल भी क्रिएट किया आपको दिखाने के लिए। इसमें अगेन 5 क्वेरीज आर देयर, ओके, चलिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ओके, फ्रॉम, फ्रॉम में अगर आपका कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है या कोई भी एरर है तो आपकी एरर आएगी, इसलिए आप ध्यान से क्वेरी टाइप करिए। ये देखिए, सीरियल नंबर, सीरियल नेम, सेल्समैन नंबर, सेल्समैन नेम, सैलरी, बोनस एंड डेट ऑफ जॉइन। देखिए आप, आपके सामने यही टेबल है। यस, इट टुक अ ग्रेट टाइम फॉर मी टू टाइप द टेबल्स, टेबल क्रिएट करने में, बट आई स्टिल आई क्रिएटेड एंड इंसर्टेड द रिकॉर्ड्स इन दैट, बिकॉज आपको तभी क्लियर होगा अगर मैं आपको सिंपल आपको लिखकर बताऊंगी सॉल्यूशन, सो इट माइट नॉट बी वेरी क्लियर टू यू। देखिए जैसे सेल्समैन नंबर A01, बीना मेहता, सैलरी इज 30,000, बोनस इज 45.23, देन डेट ऑफ जॉइन लाइक दिस। राइट द SQL क्वेरीज यूजिंग SQL फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। फर्स्ट देखिए ए पार्ट क्या है, डिस्प्ले सेल्समैन नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस। आपको डिस्प्ले क्या करवाना है, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में आप लिखेंगे, सिलेक्ट क्लॉज के साथ में, सेल्समैन का नेम एंड बोनस, एंड राउंड ऑफ फंक्शन, आपको राउंड फंक्शन यूज करना है। कैसे आप करेंगे, सिलेक्ट एस नेम कॉमा राउंड बोनस कॉमा 0, कॉमा 0 क्यों, हमें डेसिमल के पास नहीं चाहिए, बाद में कुछ नहीं चाहिए, पूरा कंप्लीट राउंडेड ऑफ नंबर चाहिए बोनस का फ्रॉम सेल्समैन। ठीक है, चलिए इसको मैं टाइप करके देखते हैं कि हमारा करेक्ट आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा एज एक्सपेक्टेड। सी हियर, राउंडेड ऑफ कर दिया उसने, 45, 25, 35, नल नल, 12 एंड 28, बिकॉज यहाँ पर आपने नोटिस किया था यहाँ पर दो आपके जो रिकॉर्ड्स थे इसमें बोनस नल था। ठीक है, बोनस उनको नहीं मिल रहा है, दो सेल्समैन को, सेल्स पर्सन को। सेकेंड, डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ अक्रेंस ऑफ द स्ट्रिंग TA इन द सेल्समैन नेम। इसमें TA की आपको अक्रेंस बतानी है, जैसे मेहता TA यहाँ पर आ रहा है, और किस में आ रहा है, गौतम TA आ रहा है। ठीक है, अब इसके लिए आपको कैसे लिखना है, क्या लिखेंगे आप क्वेरी में, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग एस नेम कॉमा डबल कोट्स में आपने दे दिया TA फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, अब मैं रन करके देखती हूँ कि हमारा आउटपुट करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए आपके सामने, ठीक है, TA आ रहा है, यस, उसकी पोजीशन क्या आ रही है, 10 पोजीशन है उसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पर आपका T आ रहा है, फाइन, देन बाकी का 0 है उसमें क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो इसने उसे 0 दिया है, उसका अक्रेंस कहां पर हो रही है उसकी, एंड एक इसकी थर्ड लास्ट, उसका 4 दे रहा है, थर्ड लास्ट दैट इज, इसके अंदर क्या है, थर्ड इसका आपका आ रहा है 4, इसके अंदर देखिए आपका इसमें, यस, गौतम थर्ड लास्ट, यस, 1, 2, 3 थर्ड लास्ट टी ए, इसमें आपका आंसर आ गया आपका 4, 1, 2, 3 एंड 4 पर आपका टी आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर। आपको स्टार्टिंग के दो करेक्ट, सेकंड कैरेक्टर से आपको स्टार्ट करना है, तो आप क्या देंगे, आप सेकंड से स्टार्ट करके आपने फोर्थ का दिया, आपने सिलेक्ट मिड फंक्शन आपने यूज किया है इसके अंदर। रन करके देखते हैं इसको भी, मिड फंक्शन कैसे यूज कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। इसमें आपने देखे कितने पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, ये देखिए आपके सामने। ठीक है,
ठीक है, सेकंड से स्टार्ट किया है, जैसे आपका नेम था बीना, बीना का बी छोड़ दिया और सेकंड ई ई एन ए से, इसमें के और फिर सेकंड क्या है डॉट, पीरियड, पीरियड से स्टार्ट किया है। निशा में एन को छोड़ के सेकंड से स्टार्ट किया, एंड कितने कैरेक्टर्स देने हैं, फोर, ठीक है। निशा में आई एस एच ए, लाइक दिस, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट वन, दिस वन इज डन। नाउ डिस्प्ले द मंथ नेम फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्समैन। मैंने इसके लिए डेट ऑफ ज्वाइन के लिए अलग से एक छोटा सा टेबल बना दिया था, एक ही मैंने उसके अंदर रिकॉर्ड डाला है। एक सेकेंड, वन सेकेंड, मैंने एक टेबल बनाया छोटा सा, सेल्समैन वन, ठीक है, ये देखिए उसके अंदर एक ही मैंने डेट डाली है, ठीक है। अब इस क्वेरी का आंसर क्या है, ये देखिए आप इसका। अच्छा, मिड फंक्शन की जगह पर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन में बताया था कि आप सबस्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं या सब एसटीआर भी यूज कर सकते हैं, सेम वही आपके सामने, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग एस नेम कॉमा टू कॉमा फोर फ्रॉम सेल्समैन, तो सेम दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं ये भी रन करके आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी सेम आएगा जो आपका मिड फंक्शन से आ रहा था। ये मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में आपको बताया है, एक क्वेश्चन के अंदर यही आपको बताया था, ये देखिए आपके सामने सेम आ गया, सेकंड से स्टार्ट किया एंड फोर कैरेक्टर्स इट इज डिस्प्लेइंग। ओके, अब मैं कर रही थी इसके अंदर कौन सा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, डिस्प्ले द मंथ नेम फॉर द डेट ऑफ जॉइन ऑफ सेल्समैन। अब इसके अंदर मुझे डेट ऑफ मंथ जो उसकी जॉइनिंग की थी उसका मंथ नेम चाहिए, उसके लिए फंक्शन नेम क्या है, मंथ नेम फ्रॉम सेल्समैन वन, इसको मैंने कॉपी किया, इसको रन करती हूँ। तो आपका फंक्शन नेम क्या है स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए मंथ नेम, ये आपके सामने आ गया अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या थी, 10, ठीक है, ईयर, मंथ एंड देन डेट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द डेट फंक्शन। देन लास्ट पार्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीक डे फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन। अब वीक डे हमें निकालना है कि वो मंडे है, ट्यूजडे है, वेंसडे है, क्या है, तो इसके लिए अगेन आई एम गिविंग द क्वेरी, इसमें डे नेम क्वेरी हम यूज करेंगे, डे नेम फंक्शन यूज करेंगे, ये देखिए ट्यूजडे, यानी इस डेट को 29 अक्टूबर को क्या डे था, ट्यूजडे था। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो डन, तो आपका सीक्वल पार्ट भी हो गया 5-5 मार्क्स का। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, और ये है अगेन अ केस स्टडी, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है क्वेश्चन। अ कंपनी इन मेगा एंटरप्राइज हैव फोर विंग्स ऑफ बिल्डिंग्स एज शोन इन द डायग्राम। ये देखिए डायग्राम, फोर विंग्स है, विंग वन, विंग टू, विंग थ्री, विंग फोर, और उनका डिस्टेंस विल बी गिवन टू यू, वेरियस बिल्डिंग्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, जैसे W3 विंग 3 से विंग 1 का 50 मीटर, देन 1 टू 2 60 मीटर, 2 टू 4 25 मीटर, इस तरह से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इनका इतने इतने मीटर्स डिस्टेंस है। ओके, नाउ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ द विंग, इन विंग 1 150, विंग 2 50, विंग 3 15, विंग 4 25 कंप्यूटर आ गया। अब इसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस है, इट इज अ केस स्टडी। एक क्वेश्चन आपको बता दूं जो इसमें नहीं है, अक्सर आपको पूछा जाता है कि सर्वर्स हाउस किसको बनाया जाएगा। सर्वर हाउस हम उसको बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, दैट इज W1। कंप्यूटर्स इन ईच विंग आर ए नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क, द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट द विंग्स आल्सो। उन्होंने बोला कि डिफरेंट विंग्स तो बना दिया, अब नाउ दे आर डिसाइडिंग, दे आर प्लानिंग टू कनेक्ट दीज विंग्स। अब इसके अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स हैं। सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन। केबल लेआउट, किसी केबल कैसे 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 हम ज्वाइन करें, मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस भी है कम से कम में ताकि ये हमारे ज्वाइन हो सके। इसके लिए आपको मैं आंसर दिखाती हूँ किस तरह से स्टूडेंट्स आप करेंगे एग्जाम में। ये देखिए हमने क्या किया कि विंग 3 से विंग 1 देन 2 देन 4, ठीक है, अब हमें इससे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, वाया ये यहाँ तक यहाँ पहुंच सकता है, क्योंकि अननेसेसरी हमें केबल एक्स्ट्रा नहीं यूज करनी है, तो ये हमारा होगा सूटेबल लेआउट टू अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंसेस। अगर हम दूसरा डिस्टेंस देखते हैं तो बाद में बहुत बढ़ जाता है, जैसे हमने विंग 4 से विंग 3 को अगर मैंने कनेक्ट किया होता, ये देखिए अगर इनको यहाँ कनेक्ट करती मैं तो डिस्टेंस कितना था, 170 मीटर्स। तो आपको वाइजली आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा केबल आपको नेटवर्किंग के लिए आपको कैसा आपको स्ट्रक्चर चाहिए। सेकेंड, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द विंग्स। टोपोलॉजी आपने पढ़ी है, स्टार, बस, रिंग एंड बहुत सारी, तो इसमें आपकी मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। ओके, कम टू द थर्ड पार्ट, द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स। वो सब में इंटरनेट चाहिए उन्हें, सजेस्ट अ सूटेबल टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए हमें कौन सा चाहिए, ब्रॉडबैंड।
ओके, इंटरनेट के लिए हमें कौन सा चाहिए टेक्नोलॉजी? ब्रॉडबैंड चाहिए. नंबर फोर, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन इफ द कंपनी वांट्स मिनिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक. आप क्या लगाना चाहेंगे, रिपीटर या हब और स्विच लगाना चाहेंगे? बताइए सूजमैन, कौन सा आपके लिए ज्यादा सूटेबल है डिवाइसेस? तो ए पार्ट जो है, रिपीटर तो नॉट रिक्वायर्ड, रिपीटर नहीं चाहिए, बिकॉज दे मे बी स्किप्ड एज पर द लेआउट, बिकॉज डिस्टेंस इज लेस देन 100 meters. जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है तो सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, दोबारा से स्ट्रेंथ उनको मिल जाए, वो तेज हो जाए वापस से, तो उसके लिए हमें रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं. और बाकी बचा हब या स्विच, वो हमें ईच विंग में चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, सब कंप्यूटर्स को हम हब या स्विच से, स्विच क्या होता है इंटेलिजेंट हब, उनसे ज्वाइन करना पड़ेगा. नाउ द लास्ट पार्ट, द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएशन इन न्यू दिल्ली विद द ऑफिसेस इन हिली एरिया. हिली एरिया से उनको कनेक्ट करना है, ठीक है, लिंक करना है. सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट इट इकोनॉमिकली. जहां भी हिली एरियाज आएंगे स्टूडेंट्स, वहां पर आपका एक ही चीज वहां पर चलेगी, आपकी चलेंगी रेडियो वेव्स. इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है. आप वहां पर सैटेलाइट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इकोनॉमिकली हमें करना है काम, तो वहां पर रेडियो वेव्स ही हमारी चलेंगी. तो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड ऑफ द पेपर. तो आपने मेरे साथ मिलकर एक सैंपल पेपर आपने सॉल्व किया है. मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी सीक्वल और बनाऊंगी, और उसके बाद और भी पेपर्स मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी. बाय देन आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डू वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स. ऑल द बेस्ट.